छोटी काशी मंडी में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के दौरान विभिन्न प्रकार की खेल गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के दौरान मिलन संस्कृति द्वारा जहां ऐतिहासिक पटेल मैदान में विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन किया जा रहा है, वहीं कबड्डी प्रतियोगिताओं का भी शुभारंभ किया गया। इस प्रतियोगिता में पुलिस अधीक्षक मंडी गुरुदेव शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने नारियल फोड़ कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में 8 टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता का पहला मैच मंडी व हमीरपुर की टीम के मध्य खेला गया। प्रतियोगिता की फाइनल मैच की विजेता टीम को 21,000 रूपए, उपविजेता टीम को 15,000 रूपए नगद राशि प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर अपने संबोधन में पुलिस अधीक्षक मंडी गुरुदेव शर्मा ने कहा कि खेलों को खेल की भावना से खेलना चाहिए। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के अलावा खेलों में भी बच्चों को अपना कैरियर बनाना चाहिए। शिवरात्रि के उपलक्ष्य में स्टेट लेवल के जो कबड्डी के टूर्नामेंट्स का यहाँ पे आयोजन आज से शुरू हुआ है, जिसमें हमारी स्टेट लेवल की 8 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है, जिसमें जो फर्स्ट टीम आएगी उसको 21,000 रुपये का कैश प्राइज मिलेगा और जो सेकेंड आएगी उसके लिए 15,000 रुपये का कैश प्राइज रखा हुआ है। तो इस तरह से शिवरात्रि में इस कबड्डी का आयोजन लोगों के मनोरंजन के साथ साथ एक तरह से संदेश है कि हम जो है खेल को या खेल की भावना से खेलें और डिसिप्लिन में रह करके अपने सारे काम है एक हेल्दी लाइफ जिए। इस टूर्नामेंट को जिला मंडी एसोसिएशन हमारी जो ऑर्गेनाइज करवा रही है, इसके अंदर हमने 12 टीमों को इनवाइट किया था, लेकिन किन्हीं कारणों से 3-4 टीमें नहीं आ पाई, क्योंकि बड़ा टूर्नामेंट एक हिसार में हो रहा है, हरियाणा के अंदर 1 करोड़ की प्रतियोगिता है, उसमें चले गए हैं। बाकी 8 टीमें भाग ले रही है यहाँ और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्लेयर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसी के साथ शिवरात्रि अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव के दौरान जहां विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन हो रहा है, वहीं मिलन समिति द्वारा साइकिल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में सीनियर व जूनियर वर्ग की टीमों ने भाग लिया। साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन शिवरात्रि महोत्सव के दौरान पहली बार किया गया, जिसका दर्शकों ने खूब लुत्फ उठाया। प्रतियोगिता का आयोजन मंडी हितेश लखनपाल की अगुवाई में किया गया। ब्लू स्मृति द्वारा ये आयोजन यहाँ लोगों के मनोरंजन के लिए किया गया। वहीं इस प्रतियोगिता को लोगों को जागरूक करने के लिए भी विशेष रूप से आयोजित किया गया। इस प्रतियोगिता के माध्यम से आम जनमानस को यह संदेश दिया गया कि ट्रैफिक के चलते और गाड़ियों के बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए आम आदमी को शहर में 2W 4W की जगह साइकिल का प्रयोग करना चाहिए, जिससे जहां प्रदूषण व ट्रैफिक की समस्या दूर होगी व आर्थिक रूप से भी साइकिल का प्रयोग करने वाले लोगों को लाभ मिलेगा। मेला समिति द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता को लेकर दर्शकों का भी काफी उत्साह देखा गया। मंडी के इस ऐतिहासिक पटल ग्राउंड में एक नया अध्याय खेलों की दुनिया में लिखा जा रहा है और वो है स्लो साइकिल रेस के रूप में। दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल निर्माता व सबसे ज्यादा साइकिल बेचने वाली कंपनी फायरवर्क्स, उनके सहयोग से व मंडी पुलिस के जो माननीय डीएसपी हैं यहाँ हितेश लखनपाल जी, उनके विशेष प्रयासों से तथा टारना स्पोर्ट्स क्लब, उनके इसी क्लब की प्रेरणा से जो है यहाँ आज स्लो साइकिल रेस का आयोजन इस शिवरात्रि फेयर में किया जा रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज इतनी भारी संख्या में यहाँ पार्टिसिपेंट्स जो है आए हैं। इतनी उम्मीद शायद ही आयोजकों को भी नहीं थी। यहाँ लगभग 150 से भी ज्यादा सीनियर और जूनियर ग्रुप में पार्टिसिपेंट्स यहां पहुंचे। हालांकि बहुत अर्ली इस आयोजन की प्लानिंग की गई थी, विद इन 3 डेज, और इतना अच्छा रिस्पांस यहां मिला है, मैं समझता हूं यह दर्शाता है कि मंडी के लोग जो हैं वह साइकिल के प्रति बहुत ही क्रेजी हैं। और एक यंग मंडियाल होने के नाते जो आजकल मंडी के ट्रैफिक के हाल है और जिस ढंग से हमारे शहरों में गाड़ियों से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, उसका सबसे बढ़िया विकल्प है साइकिलिंग। अगर हम लोग, और मंडी एक ऐसा शहर है जहां कहीं भी एक छोर से दूसरे छोर को आप आसानी से साइकिल पे पहुंच सकते हैं, और पार्किंग की प्रॉब्लम है हमारे शहर में बहुत ज्यादा,
ट्रैफिक की प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, प्रदूषण की प्रॉब्लम है, इन तीनों का इलाज है साइकिलिंग। और फायरफॉक्स जो कंपनी है यूरोप की, यह कंपनी हिंदुस्तान में 1100 इसके शोरूम है, उस कंपनी द्वारा अगर मंडी को इसके आयोजन के लिए चुना जाता है बहुत बढ़िया है। आज हमारे मोर ओवर जो पहले राउंड थे कंप्लीट हो चुके हैं, सीनियर ग्रुप से 20 लोगों ने फाइनल में जो है सॉरी 10 लोगों ने यहाँ एंट्री की है और एक गर्ल्स है, साथ में जूनियर में जो है 25 लोग फाइनल में पहुंचे हैं और इसका फाइनल थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। आज के हमारे मुख्य अतिथि एडीएम मंडी जो है वो आज इसका समापन करेंगे।